बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सति गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाही ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोठान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साहिब जी, आज बहुत दिनों बाद हम आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि लाइव चर्चा जब होती है ना तो समस्त सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि हमारा आपस में सभी आत्माओं का जैसे मिलन ही हो रहा हो। धाम धनी की अपरंपार कृपा से सभी आत्माएं उपस्थित हो रही हैं, हमारी किरण जी, सुनीता जी सेठी श्री गंगानगर से, प्रणाम जी, किरण जी, कुलदीप जी खुराना, पबली जी खुराना जयपुर से। जब से चर्चा स्टार्ट हुई है ना, हमारे कुलदीप जी खुराना तब से वाणी चर्चा सुन रहे हैं। और हमारे कुलदीप जी खुराना जी का कहना है कि कोरोना के समय में जब ये चर्चा मिली सुनने को तो पता नहीं कितनी जान को धनी ने बचा लिया इस वाणी चर्चा के बलबुत्ते पे, और कितने सारे सुंदर साथ का जीवन बदल रहा है इस वाणी चर्चा के माध्यम से। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारी आशा जी मदान गुड़गांव से, हमारी वर्षा जी भगत जयपुर से, हमारी शैफाली जी जयपुर से, संतोष जी प्रणामी जयपुर ज्वार नगर से, और हमारी पद्मा जी मदान जो बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखती हैं, हमारी पद्मा दीदी मुंबई से। समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं, हमारी अनीता जी पटेल यूएस से, हमारे जस भाई पटेल यूएस से, हमारे राजेंद्र जी भावसार यूएस से, हमारी मंजला बहन यूएस से, हमारी वीरू जी कनाडा से, और हमारे विजय बंटी सेठी जी, चांद सेठी जी श्री गंगानगर से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आइए एक छोटा सा भाव सतगुरु जी के चरणों में रखते हुए वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। वंदन करते हैं हम, वंदन करते हैं हम, अजी दोनों हाथ जोड़,
कृपा दृष्टि रखना सतगुर जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुर जी हमरी और। वंदन करते हैं हम अजी दोनों हाथ जोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना साहेब जी हमरी और। भव सागरी का नाही किनारा, कैसे उतरे मोह जल पारा। भव सागरी का नाही किनारा, कैसे उतरे मोह जल पारा। किश्ती को तुम्हारे अज किश्ती को तुम्हारे सहारे दिया छोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और। सभी गाइए मेरे साथ, सभी आनंद लीजिए। कैसा तुमने खेल बनाया, कैसी तुमने रच दी माया। कैसा तुमने खेल बनाया, कैसी तुमने रच दी माया। कौन जतन से आए अजी, कौन जतन से आए तुमरी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और। वंदन करते हैं हम, वंदन करते हैं हम अजी दोनों हाथ जोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और। सुखदाता तुम मिहरे के सागर छूटे दुनिया तुम्हे को पाकर। सुखदाता तुम मेहरों के सागर छूटे दुनिया तुमको पाकर। हाथों में तुम्हारे अजी, हाथों में तुम्हारे हमारे जीवन डोर। अर्जी करें, प्रार्थना करें, क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की फिर से शुरू होने जा रही है। और धाम धनी जी के चरणों में दिल से प्रार्थना करें, हाथों में तुम्हारे अजी, हाथों में तुम्हारे हमारी जीवन डोर। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और। वंदन करते हैं हम अजी दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम अजी दोनों हाथ जोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमरी और, कृपा दृष्टि रखना साहेब जी हमरी और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आज पहला दिन है ना फिर से वाणी चर्चा का, तो समस्त सुंदर साथ को आप शेयर कीजिए अभी से ही, और सभी को अपने साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि सुंदर साथ को पता नहीं लगा अभी कि आज से वाणी चर्चा स्टार्ट हो रही है। आप वाणी चर्चा को अभी से ही शेयर करना शुरू कर दें, ताकि सारे ग्रुप वाले, अपने ग्रुप वाले सब आनंद ले सकें। आइए लाडले सुंदर साहब जी,
ए जो मैं हक की सौ भी निकसे हक हुकम, इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम बंधे बंधाए मिट गए कछु रया ना हम पना हम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा है खिलवत के अंदर, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं से, तीसरा प्रकरण है। और तीसरे प्रकरण की 21वीं चौपाई। श्री इंद्रावती जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा, श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान होके वर्णन कर रहे हैं कि ए धनी, हम बंधे बंधाए मिट गए। हम माया के बंधन में बंधे हुए थे, अब आपकी मैं आने से हमारा अहम भाव समाप्त तो हो गया। आपकी मैं आने से हमारी झूठी मैं, हमारा इस देह का झूठा अहंकार खत्म हो गया है ना लाडले सुंदर साहब जी, क्योंकि हमारी रूह की आंखें धनी ने इस ब्रह्मवाणी से खोल दी हैं। और वाणी से हमें पता लग गया कि हम सभी आत्माएं तो श्री मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए इस खेल रूपी सपने को देख रहे हैं। ये तन भी झूठा है, ये जग भी झूठा है, और हम तो झूठे सपने को हमारे परात्मा वाले तन के अंदर बैठ के देख रहे हैं। तो अब सभी आत्माओं के अंदर कौन सी मैं आ गई? परम धाम वाली मैं आ गई। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, हम माया के बंधन में बंधे हुए थे, कब तक? सारा दिन अपनी मैं बोलते थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वाणी पढ़ी, मैंने पाठ किया, मैंने चिंतन किया, मैंने ध्यान किया, मैंने सेवा करी, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब धाम धनी की मैं आ जाती है ना, तो वो बड़े सुंदर शब्दों में फिर मैं संबोधन करती है कि श्री धाम धनी जी की अपरंपार कृपा से आज वाणी का एक पाठ पूरा हो गया। धनी जी की कृपा से आज मैंने एक तारतम की माला का पाठ कर लिया। धनी जी की कृपा से आज प्रगट वाणी का पाठ किया। मंगलाचरण, मेहर सागर, मूल मिलावा, विरह के प्रकरण, ये सारा पाठ आज तो धनी जी ने करवा लिया मेरे से। और ये करना है सुंदर साथ जी, हम सभी को सदगुरु जी ने आदेश दिया है कि एक तारतम की माला का पाठ भी हम जरूर करें, है ना, और प्रगट वाणी का पाठ करें, मेहर सागर का पाठ करें, मूल मिलावा का पाठ करें, मंगलाचरण पढ़ें, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब धनी जी की अपरंपार कृपा होती है ना, तो पाठ करने के बाद भी हम कहते हैं कि आज तो श्री राज जी महाराज ने कृपा करके मुझसे भी पाठ करवा लिया। तो अब इसमें हमारी मैं नहीं आई, अब किसकी मैं आई? तो श्री इंद्रावती जी कहते हम बंधे बंधाए मिट गए, हम माया के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन अब आपकी मैं आने से हमारा अहम भाव समाप्त तो हो गया, है ना सुंदर साहब जी। यो पहुंचाई बक्का मिने इनविद मैं को खसम, हमने अपना अहम भाव समाप्त कर दिया, है ना, हम में अपना अहम भाव नहीं रहा अब इस समय। तो आपके अहम भाव ने, आपकी मैंने हमें परम धाम में पहुंचा दिया। इस प्रकार आपकी मैं के अंदर सामर्थ्य है, आपकी मैं के अंदर इतनी पावर है, आपकी मैं अखंड परम धाम के अंदर पहुंचा सकती है ना। श्री महामत कह मैं हक की पहुंची बक्का में, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, महामती जी कहती हैं, धनी की मैं है ना जो, वो अखंड परम धाम में पल में पहुंच जाती है। ए मैं हक की, ए मैं मोमिनों से, ये मैं तो राज जी महाराज की है। जब हमने धनी जी का ही नाम बोला
कि ये पारायण मुझसे धनी जी ने कराया। पारायण भी पहुंच गया परम धाम में और हमारी मैं भी पहुंच गई परम धाम में, क्योंकि अब हमारे अंदर हमारे वाली मैं नहीं थी। ये मैं किसकी थी? ये मैं श्री राज जी महाराज की थी, है ना। अब सिर ले हुक्म हक्का बैठी धनी की मैं। कितनी प्यारी चौपाई है ना लाडले सुंदर साहब जी। धामधनी फरमा रहे हैं कि श्री राज जी महाराज की ये मैं श्री राज जी का आदेश लेकर मेरे अंदर बैठ गई है। लाडले सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज की मैं को भी श्री राजी महाराज का पहले आदेश लेना पड़ता है। धनी के हुक्म के बिना धनी की मैं हमारे अंदर नहीं बैठ सकती, है ना। हमारे सुंदर साथ लिख रहे हैं कि श्री धाम धनी जी के मेयर से आज हम वाणी चर्चा सुन रहे हैं। शाबाश, क्या बात है लाडले सुंदर साथ जी। बस यही हमारे धनी जी सुनना चाहते हैं हमसे, है ना, कि सारे सुंदर साथ एक ही बात बोलें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो धाम धनी जी की कृपा से कर रहे हैं। वाणी चर्चा हो रही है तो धनी के हुक्म से हो रही है, और वाणी चर्चा सुन रही हैं तो धनी के हुक्म से सुन रही हैं। इतने दिन तक नहीं सुनाई तो भी राजी महाराज का हुक्म है ना, आज सुना रही हैं तो भी धनी की कृपा है, धनी स्वयं सुना रहे हैं। तो फरमाने कि अब सिर ले हुक्म हक का बैठी धनी की मैं, श्री राजी महाराज की ये मैं श्री राजी महाराज का आदेश लेकर श्री इंद्रावती जी कहते हैं मेरे अंदर आके बैठ गई है। क्योंकि धनी जी का आदेश लेकर ही धनी जी की मैं हमारे अंदर आके बैठती है। जरा इनमें शक नहीं इलम हक कैसे, कहते इस मैं के अंदर अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तारतम ज्ञान के द्वारा मुझे जानकारी हो गई, मुझे समझ आ गई कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सब शकों को मिटा कर बेशक कर दिया, सब शकों को मिटा कर बेशक कर दिया। देखे वाणी हमें सारा सुख दे दिया, देखे वाणी हमें सारा सुख दे दिया। सब शकों को मिटा कर बेशक कर दिया, सब शकों को मिटा कर बेशक कर दिया। देखे वाणी हमें सारा सुख दे दिया। लेके चलो धामी को, लेके चलो धामी को, नजरों से ओझल रूहे जहां पर, नजरों से ओझल रूहे जहां पर, होए नहीं होए नहीं। चौदे तबक में आप सा, चौदे तबक में आप सा, कोई नहीं कोई नहीं। तेरे सिवा मैं और किसी की, तेरे सिवा मैं और किसी की, होई नहीं होई नहीं। तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं अब सिर ले हुक्म हक्का बैठी धनी की मैं, जरा इनमें शक नहीं इलम हक्के से, इलम हक्के से। श्री राजी महाराज की ये मैं धाम धनी का आदेश लेकर श्री इंद्रावती जी कहती हैं मेरे हृदय के अंदर आके बैठ गई है, और इस तारतम वाणी के द्वारा इतनी जानकारी मिल गई है, इस तारतम वाणी के द्वारा इतनी समझ आ गई है कि हमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रह गई हमारे हृदय में, किसी प्रकार का
कोई संदेह नहीं रह गया हमारे हृदय में कि इस समय ये नूर भरी चर्चा श्री राजी महाराज की मैं ही कर रही है, और जो आत्माएं सुन रही है ना चर्चा, तो उनके अंदर धाम धनी की मैं ही ये वाणी चर्चा सुन रही है। धनी जी की मैं के बिना ना तो कोई वाणी चर्चा कर सकता है और ना ही धनी जी की मैं के बिना कोई ये वाणी चर्चा सुन सकता है। तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं इस प्रकार, जुदे सब थे इनविद, इनविद सब में एक। श्री राजी महाराज की मैं आने से हम संसार के जीवों से अलग हो गए, क्योंकि संसार के जीवों के अंदर तो संसार की मैं है और हमारे अंदर धनी की मैं जब आ गई, धनी का आदेश लेकर इस प्रकार से हम संसार वालों से, दुनिया वालों से सबसे अलग हो गए, है ना। और धनी जी की मैं का बोध होने से सब में अद्वैत भाव का अनुभव होता है कि आत्म सोनी एकज दिसे, जुजवीते दिसे दे, आत्मा सबकी एक है। हम सबने देहियां अलग अलग धारण कर रखी हैं, है ना सुंदर साथ जी। हम समझ सुंदर साथ के अंदर आत्मा तो एक ही है पर देही अलग अलग है। साँच झूठ के खेल में ए जो बेवरा कया विवेक, ये भी ज्ञान होता है कि सब में धनी का आदेश है। ये साँच और झूठ का जो खेल है ना, इस तारतम ज्ञान से इस प्रकार सत्य और असत्य का निरूपण हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य है परम धाम। असत्य क्या है? असत्य है माया। और ये भी ज्ञान होता है कि ये सब धनी के आदेश से है। ये झूठा संसार भी श्री राजी महाराज के हुक्म से है और ब्रह्म आत्माएं जो सत्य हैं वो भी धनी जी के हुक्म से, धनी जी के आदेश से इस माया के अंदर आई हुई हैं। और ब्रह्म सृष्टि के अंदर जब धनी जी की मैं आ जाती है तो ब्रह्म आत्माएं इस खेल से अलग दिखाई देती हैं, है ना सुंदर साथ जी। और धनी जी की मैं आने से सभी के अंदर हमें धाम धनी का हुक्म ही दिखाई देता है कि जो कुछ किसी के अंदर कर रहा है वो धनी जी का हुक्म ही कर रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है, हम चौपाई दोहराएं। चौपाई दोहराने से पहले आप सभी सुंदर साथ बताएं कि ये कौन से ग्रंथ का कौन सा प्रकरण चल रहा है, कौन से प्रकरण की चर्चा हो रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये आज का प्रश्न है हमारी मंजुला बहन पटेल यूएस से। आपको भी कोरोना हो गया अभी तीसरी लहर में, धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि समस्त परिवार को धाम धनी स्वस्थ रखें। और लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी भी अपना ध्यान रखें और इस प्रश्न का उत्तर भी समस्त सुंदर साथ को देना है कि ये कौन से ग्रंथ का कौन सा प्रकरण है जिस पे वाणी चर्चा चल रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहरा दें। जुदे सब थे इनविद, इनविद सब में एक, सांच झूठ के खेल में ए जो बेवरा कया विवेक, ए जो बेवरा कया विवेक। आप सभी सुंदर साथ आज की वाणी चर्चा को शेयर कर दें ताकि कल सभी को पता लग जाए, समस्त सुंदर साथ को, कि खिलवत वाणी की चर्चा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। सतगुरु जी ने, धाम धनी जी ने आदेश दिया कि फिर से वाणी चर्चा प्रारंभ करिए, तो करने कराने वाले तो धनी जी स्वयं ही है। धनी जी का हुक्म ही ये वाणी चर्चा कर रहा है और धनी जी का हुक्म ही सुन रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय।
श्री बाबा दयाराम साई आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 4:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।